हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे इस विला के बारे में। हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ये फ्रेंड्स हमारा विला कटजन रहेगा, 40 फिट बाई 50 फिट में बना 4 BHK का एकदम शानदार विला है। बहुत ही अच्छा हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। इसमें हमारा जो एलिवेशन है, एलिवेशन भी बहुत ही शानदार है। यदि आप अपना घर किसी विलेज में, टाउन में या फिर किसी सिटी में भी बना रहे हैं, सभी जगह के लिए बहुत ही सुटेबल डिजाइन है। तो इसी 3D मॉडल के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास अपना डिज़ाइन रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारा जो डिज़ाइन है, यदि हम इसके फ्रंट की बात करें तो 40 फिट का फ्रंट है, और गहराई की बात करें तो 50 फिट की गहराई है। मीन्स कि 50 फिट इसकी गहराई है और 40 फिट इसके हमारे पास चौड़ाई रहेगी। तो ये हमारे पास जो डिज़ाइन है, ये हमारे पास 40 फिट बाई 50 फिट का ये हमारा डिज़ाइन है। यदि फ्रेंड्स आपका प्लॉट 40 फिट बाई 50 फिट से ज़्यादा का है, तभी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, क्योंकि इसके चारों ही साइड में हमारे पास विंडोज़ का हमने प्रोविजन रखा हुआ है। चारों ही साइड में हमारे पास ये विंडोज़ रहेंगी। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन रहने वाला है। यहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन है जो कि 40 फिट बाई 50 फिट में बना, बहुत ही अच्छा ये हमारा डिज़ाइन है। ये फ्रेंड्स हमारे पास जो डिज़ाइन है, इसमें यदि हम इसकी फिनिशिंग की बात करें, तो हमारे पास जो वर्क किया हुआ है, इसमें पूरा वर्क हमारे पास से पेंट फिनिश में है। आप जितना भी वर्क इसमें देख रहे हैं, ये सब हमने पेंट फिनिश में हमने इसको तैयार किया हुआ है। और हमारे पास इसमें MS की रीलिंग का हमारे इसमें यूज है। ये हमारे पास इसमें MS की रीलिंग है, बाकी जो फिनिशिंग है पूरा पेंट फिनिश में। ये फ्रेंड्स हमारा घर है, पूरा ही पेंट फिनिश में हमने इसको तैयार किया हुआ है। तो इसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो डिज़ाइन है, अब हम चलते हैं इसके 3D प्लान की तरफ। ये हमारे पास अपना 3D में प्लान रहेगा। आप देखेंगे कि हमारे घर की जो एंट्री है वो हमारे पास यहाँ से रहेगी। यहाँ पर हम ये 3 स्टेप लेंगे, 3 स्टेप को अप करके हम अपने इस बरामदे में आएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक बड़े साइज का ये हमारा बरामदा है, और बरामदे से ही घर के अंदर जाने के लिए हमने यहाँ पर ये डोर दिया हुआ है। इस डोर से हम अपने घर के अंदर एंटर करेंगे। इस डोर से जैसे ही इस पर एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर मिलने वाला है ये ड्राइंग रूम का डिज़ाइन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं गेस्ट रूम का हमें यहाँ पर डिजाइन मिलने वाला है। ये हमारा गेस्ट रूम होगा। गेस्ट रूम के अंदर हमें मिलेंगी 2 विंडोज़ बड़े साइज की। तो दोनों विंडोज़ से हमारे अपने इस गेस्ट रूम का बहुत ही अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना एक बड़े साइज का ये हमारा गेस्ट रूम हमारा रहने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है बेडरूम का डिजाइन। ये हमारा फ्रंट में एक बेडरूम होगा, और इस बेडरूम के अंदर भी हमें 2 विंडोज़ मिलेंगी। तो दोनों विंडोज़ से हमारे अपने इस बेडरूम का भी अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना बेडरूम का हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। यहाँ से फ्रेंड्स हमने ये स्टेयर्स को अप कराया हुआ है। यहाँ से जाएंगे हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारे पास अपना स्टेयर्स का हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। ये हमारे पास अपना स्टेयर्स रहेगा, और स्टेयर्स की जो हमारी लैंडिंग है, लैंडिंग के जस्ट नीचे हमें यहाँ पर एक टॉयलेट मिलेगा। ये हमारे पास अपना एक कॉमन टॉयलेट का हमारा डिज़ाइन रहने वाला है, जो कि हमारे पास ये जो स्टेयर्स की लैंडिंग है, लैंडिंग के जस्ट नीचे ही हमारा ये टॉयलेट का हमारा डिज़ाइन रहने वाला है, जो कि हमारे पास एक कॉमन टॉयलेट रहेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें एक और बेडरूम मिलेगा। ये हमारे पास अपना सेकंड बेडरूम का डिज़ाइन होगा, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि थर्ड रूम का हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक विंडो मिलेगा, तो उस विंडो से हमारे अपने इस बेडरूम का भी बहुत ही अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना एक बेडरूम का हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है डाइनिंग हॉल का डिज़ाइन। ये हमारे पास एक बड़े साइज का डाइनिंग हॉल रहेगा, और इसमें आप देखेंगे डाइनिंग हॉल में राइट साइड से एक हमने डोर भी दिया हुआ है, तो इस डोर से हम अपने इस डाइनिंग हॉल में आ सकते हैं। डाइनिंग हॉल में फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एक विंडो मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास अभी वेंटिलेटर का प्रोविजन है। ये हमारे पास यहाँ पर विंडो का, यदि आप इसमें यूज करना चाहें तो विंडो का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारे पास रहने वाला है किचन का डिजाइन, जो कि एक बड़े साइज का ये फ्रेंड्स हमारा किचन रहने वाला है। किचन के अंदर हमें मिलेंगी 2 विंडो। दोनों विंडोज से हमारे अपने इस किचन का भी अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। किचन के साथ फ्रेंड्स हमारे पास रहने वाला है एक स्टोर रूम का डिजाइन। ये हमारे पास अपना स्टोर रूम होगा, जो कि हमारे पास एक किचन के साथ हमारा स्टोर रूम ये रहने वाला है। ये हमारा स्टोर रूम है जो कि किचन के साथ में रहेगा। और यहाँ पर हमें मिलने वाला है ये एक अटैच टॉयलेट का डिज़ाइन, जो कि हमारे पास है इस वाले बेडरूम से हमारा अटैच रहेगा। ये हमारे पास जो बेडरूम है, इस बेडरूम के साथ ये हमारा अटैच टॉयलेट रहने वाला है। ये हमारा अटैच टॉयलेट है, और इसमें हमारे पास ये वादिंग एरिया, टॉयलेट शीट दोनों को इसके अंदर हमने कम्बाइंड ही रखा हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मिलने वाला है थर्ड बेडरूम का डिज़ाइन। ये हमारा थर्ड बेडरूम होगा, और इस बेडरूम के अंदर भी हमें 2 विंडोज़ मिलेंगी। तो दोनों विंडोज़ से हमारे अपने इस बेडरूम का भी अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना बेडरूम का हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। यहाँ पर हमारे पास एक बेडरूम रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारे पास रहने वाला है अपना 4th बेडरूम का डिज़ाइन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं 5th रूम का डिज़ाइन। और इस रूम के अंदर भी आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक विंडो मिलेगा। इस विंडो से ही हमारा अपने इस बेडरूम का भी अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास अपना 3D में प्लान है, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें हमारे पास
चार बेडरूम हैं, एक हमारे पास ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम के साथ हमारा अटैच टॉयलेट है, ये हमारे पास अपना किचन गार्डन है, किचन के साथ हमारा स्टोर रूम है, एक बड़े साइज का ये हमारे पास अपना डाइनिंग हॉल है, और यहाँ पर हमारे पास स्टेयर्स है, स्टेयर्स के जस्ट नीचे ही हमारा इसमें आप देखेंगे कि टॉयलेट का डिजाइन है। फ्रंट में हमारा ये फुली विड्थ में ये हमारा बरामदे का डिजाइन है, ये हमारा एक बड़े साइज का ये हमारा बरामदा है, और ये हमारे पास अपना एलिवेशन डिजाइन है जो कि एकदम शानदार हमारा एलिवेशन है। आप देखेंगे कि इसमें हमने फोर पिलर के साथ बहुत ही अच्छा हमने इसको डिजाइन किया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा विजुलाइजेशन रहेगा। तो ये हमारे पास अपना एलिवेशन डिजाइन है, ये हमारे पास अपना मम्टी का डिजाइन रहेगा, इसको भी आप अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। बाकी ये हमारे पास इसके बैक साइड का व्यू रहने वाला है, यहाँ पर हमारे पास ये राइट साइड का व्यू रहने वाला है, ये हमारा राइट साइड का व्यू रहेगा, और ये हमारे पास रहने वाला है इसके लेफ्ट साइड का व्यू। तो ये फ्रेंड हमारे पास अपना डिजाइन है, डिजाइन आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स फिलहाल की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।